अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि ब्यूटीफुल गॉर्जियस बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट जो कि सेकंड पोजीशन हासिल करती हैं, यानी कि हिना खान घर पे आई। हालांकि कल के दिन हमने देखा था, आफ्टर एपिसोड लाइव आ गया था वो, हिना खान घर पे आई थी और घर पर आकर उन्होंने जो है बहुत सारी बातचीत करी थी, हंसी मजाक किया था और साथ ही साथ कंटेस्टेंट्स को रुला कर चली गई थी। याद है आपको? तो अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिना खान ने प्रतीक को एक बात के लिए सुना डाला कि दैट्स अनफेयर, प्रतीक ये बिग बॉस का घर है, याद रखो। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ, तो वहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार क्या होता है माजरा। हिना खान यहाँ पर आती है शमिता शेट्टी को, वो कहती है कि एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू आउटसाइड, मतलब कि सभी लोग आपके बारे में बात करें, जो कि ऑब्वियस सी बात है, चाहे पॉजिटिव बात करें चाहे नेगेटिव बात करें, लेकिन एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू, ये शमिता शेट्टी को कहते हैं, वो कहती हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतीक बीच में जंप मारता है एज यूजुअल। प्रतीक बोलता है कि हमारी वजह से तो थोड़ा ये दिख रही है करके, ठीक है, ऐसी बात होती है। फिर उसके बाद प्रतीक यहाँ तक रुकते नहीं है और बोलते बोलते बोल देते हैं कि प्रोडक्शन वाले भी तो इन पे स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं दिखेंगी तो क्या होगा, ठीक है। जैसे ही प्रतीक ये बात बोलता है दोस्तों, प्रोडक्शन वाली बात, तो हिना खान बोलती है, प्रतीक दैट्स अनफेयर, अनफेयर, इट इज टोटली अनफेयर, अनएक्सेप्टेबल दिस इज प्रतीक। और हिना खान कांच के अंदर होती है और कांच के अंदर से वो सबको इस तरीके से, प्रतीक को इस तरीके से बोलती है। दोस्तों आपको बता दूं तो कल के एपिसोड में करण जौहर ने, प्रतीक ने पूरे हफ्ते में जो भी किया, राइट, जिस तरीके से कंटेंट क्रिएट किया है, किसी बात में बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं करी, प्रतीक को एकदम दरकिनार कर दिया। उनकी टारगेट या तो दिव्या थी या तो शमिता को अप्रिसिएट करना था और राकेश को ऊपर उठाना था, जिनको मैं गुंगी गुड़िया कह रहा था। यस, कल के एपिसोड में ये सब चीज़ें हुई, जैसे ही मुझे पता चली मैंने कहा आपको बताता हूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।